विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ विशेषता अग्रवाल। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा ये दो अलग अलग पर्व हैं, जो उपासना और संकल्प का अद्भुत समन्वय है। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के युग में देवताओं की विजय से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ था। एक बार देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की विजय को लेकर कुछ संदेह होने लगा। देवराज इंद्र ने इस युद्ध में प्रमुखता से भाग लिया था, लेकिन देवताओं को अपनी विजय पर संदेह था। यह सब देख देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गई और उन्होंने देवताओं की विजय के लिए रक्षा सूत्र बांधने का सुझाव दिया। जब देवराज इंद्र राक्षसों से युद्ध करने जा रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, जिससे उस युद्ध में देवराज इंद्र विजय हुए। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व मनाने लगे। अनेक पुराणों में श्रावणी पूर्णिमा को पुरोहितों द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद कर्म भी माना जाता है। ये ब्राह्मणों द्वारा यज्ञमान के दाहिने हाथ में बांधा जाता है। खंड में इस दिन पुरुष स्नान आदि करने के पश्चात तर्पणादि करके नया जनेऊ धारण करते हैं। ब्राह्मणों के लिए यह पर्व सर्वोपरि माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को नया यज्ञोपति देते हैं तथा उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। बदले में यजमान ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। महाराष्ट्र में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करने की परंपरा भी है। यही कारण है कि इस दिन के लिए मुंबई के समुद्र तट पर नारियल के फलों से भरे होते हैं। राजस्थान में राम राखी, चूड़ा राखी या लूम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से अलग होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाले फूंदना लगा होता है। ये केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभियों की चूड़ियों में बांधी जाती है। जोधपुर में राखी के दिन केवल राखी ही नहीं बांधी जाती बल्कि पूजा भी की जाती है। राखी को कच्चे दूध से अभिमंत्रित करते हैं और इसके बाद ही भोजन करते हैं। ब्रज में हरियाली तीज से श्रावणी पूर्णिमा तक समस्त मंदिरों एवं घरों में ठाकुर जी झूले में विराजमान होते हैं और रक्षाबंधन वाले दिन झूलन दर्शन समाप्त हो जाते हैं। कुछ जगहों पर इस दिन यजुर्वेदीय ब्राह्मण 6 महीनों के लिए वेद का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए विस्फोटक न्यूज़। धन्यवाद।